आज मैं लेकर आई हूँ राजमा मसाला की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में बनी हुई, ऐसी जो आपने कभी नहीं खाई होगी, यूनिक और बहुत ही टेस्टी कि आप बस खाते ही रह जाए। तो स्वागत है आपका टेस्ट विद सुमन में। चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप राजमा, 3 बिल्कुल ही लाल टमाटर, 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे बारीक काट लेंगे, 1 हरा प्याज मैंने काट लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ छील लिए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च। मसाला में ले लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम बनाएंगे टमाटर की प्यूरी, तो उसके लिए टमाटर को ऐसे बीच से कट करके मिक्सर में डाल देंगे। फिर हरी मिर्च काट लेंगे। इसे भी डाल दें मिक्सर में। उसके बाद लहसुन, डाल देंगे मिक्सर में और अदरक। इसे भी काट कर डाल दिया मैंने। सारी चीजें डल गई है, अब इसे कर लेंगे ब्लेंड। तो इस तरह से तैयार कर लिया है मैंने फाइन टमाटर की प्यूरी। अब चलते हैं राजमा की तरफ, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगोकर रखा था और प्रेशर कुकर में डालकर 6 से 7 सीटी लगा लिया। राजमा पकाना तो सभी को आता ही है। राजमा को प्रेशर कुकर में डाल दे, फिर उसमें जितना कप राजमा डाला है उसका डबल पानी डाले, यानी कि मैंने 4 कप यहाँ पे डाला है। नमक डालकर बंद कर दे और फिर सीटी लगा ले। ये देखिए राजमा पक गए हैं। आप देखेंगे कि राजमा एक भी टूटे नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा डाला। पानी राजमा के लेवल से थोड़ा ज़्यादा ही डाले, जिससे कि राजमा की जो स्किन है ना वो फटेगी नहीं, जो कि अक्सर हो जाता है। तो अब राजमा को एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब चलेगी मसाला तैयार करने के प्रोसेस में। तो इसके लिए मैं कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दूंगी। तेल के गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, उसके बाद जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, फिर बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और फिर इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा प्याज। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। जब आप देखेंगे कि सब्जियों का कलर थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने लगा है, यानी कि कलर लाइट होने लगा है, प्याज भी थोड़े पिंक हो गए हैं, तब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसे मैंने पहले ही बना लिया था। फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी, जिसे कि मैंने अभी आपके सामने ही बनाया। इसे भी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि तेल ना छूटने लगे। ये आप देखेंगे टमाटर तेल छोड़ने लगा है। अब तो अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूने। और ये तैयार कर लिया हमने मसाला। तो बस अब हम इसमें उबला हुआ राजमा डाल देंगे। राजमा का पानी भी आप इसी में डाल दें। इसे मिला देंगे
जैसा कि आप देखेंगे कि अभी गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कप पानी डाल दिया है, इसे अच्छे से चला ले। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, राजमा का टेक्सचर देखिए। पर हमारे राजमा अभी अधूरे हैं बिना गरम मसाले के, तो इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया और गरम मसाला। ये डाल दिया मैंने एक चम्मच गरम मसाला। फिर डालेंगे घी, ये डालने से तो राजमा का स्वाद और भी डबल टेस्टी हो जाएगा। बस इसे अब हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। हटा देते हैं ढक्कन को अब, और ये बन गई हमारी राजमा मसाला की रेसिपी। फिर जल्दी से इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं प्लेट या बॉल में। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, कलर भी इतना अच्छा आया है और एक भी राजमा टूटे हुए नहीं है। इसे आप जीरा राइस, प्लेन राइस या फिर रोटी के साथ एंजॉय करें। तो गाइस, एक बार ये मेरे स्टाइल वाला राजमा रेसिपी जरूर जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।